हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। इसका टॉपिक है पावर बटन एंड कॉल्स किस प्रकार से इनेबल एंड डिसेबल करते हैं और किसकी मतलब किस प्रकार से उसका यूज़ करते हैं वो बताएंगे। फ्रेंड्स, मेरे पास है रियलमी का फ़ोन है। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में पहली बार आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, यही शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग पर क्लिक कर देना है। तब आपको यहाँ दिखता है एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन, आप उस पर क्लिक कर देंगे एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिख जाएगा और पावर बटन एंड प्रेस पावर बटन एंड कॉल्स इस प्रकार से ऑन होता है, इस प्रकार से ऑफ होता है। एंड ऑन करने के बाद आपको यहाँ दिख जाएगा। ऐसा ऑन करने से होता है कि अगर आप फोन और कॉल आता है आपके पास तो कॉल रिसीव करने के बाद आप ग्रीन रंग के डायल को ऊपर करते तब आपका कॉल रिसीव होता है। तो आप अगर पावर बटन का दोबारा पावर कॉल रिसीव करने के लिए अगर पावर बटन दबाते तो आपका कॉल रिसीव हो जाएगा, मतलब आंसर कॉल मतलब ले सकते हैं कॉल। एंड इसके बाद अगर इस प्रकार से ऑफ है तो नहीं हो पाएगा। फिर आप जब आपके पास कोई कॉल आता है तब आप पावर बटन को दबाते तब आपका कॉल कट जाएगा। अगर ऑन है और इसके बाद आप पावर बटन को दबाते तो आपका कॉल ऑटोमेटिक उठ जाएगा। एंड इसके मतलब उस पर दबाने के बाद एंड अगर ये इसलिए इसका यूज़ किया जाता है कि कॉल के लिए होता है हमेशा एंड इनकमिंग कॉल के लिए होता है। फ्रेंड्स, इसी प्रकार से इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर ये ऑफ है तो नहीं होगा यूज़, अगर ये ऑन है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तभी यूज़ होता है जब आपके पास इनकमिंग कॉल आता है रिसीव करने के लिए आंसर को। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से अपने फ़ोन में पावर बटन समझे कि प्रेस पावर बटन मतलब इसी प्रकार से उसका यूज़ कर सकते हैं आप पावर बटन एंड कॉल्स का। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। फ्रेंड्स, तब तक नमस्कार।